हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप सबको जैसे पता है कि दुबई ट्रैवल बहुत इजी हो गया है। अब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो आपके पास जो मस्ट होना चाहिए वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो जी हाँ, आपको ट्रैवल करने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास ही रखना है। यानी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हुआ कि आप फ़ोटो लगेज में रख लिए, फ़ोटो खींच के मोबाइल में ले आए, या किसी ने आपको व्हाट्सअप कर दिया, किसी ने आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। जो ओरिजिनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास लाना है। जो QR कोड है वो मैंडेटरी है, QR कोड उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए, क्योंकि QR कोड से ही वो लोग स्कैन कर रहे हैं। तो QR कोड अगर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं है तो वो लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। हाल ही में हुआ है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कुछ ट्रैवलर्स ने अपने लगेज में रखे हुए थे और उसका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रखे हुए थे, जिसमें उनको स्कैन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, स्कैन नहीं हो पा रहा था क्योंकि फ़ोटो क्लियर नहीं थी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट टिकट के साथ अपने रखना है, पासपोर्ट टिकट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि QR कोड स्कैन करके ही वो लोग बाहर एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है, कोई भी SMS नहीं चलेगा। SMS जो है वो चलेगा सिर्फ जो डायरेक्ट जो ऐप से होता है, जैसे यहाँ पे DHA वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भेजते हैं, तो ऐसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपके कंट्री का जो है डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक SMS है आपके पास, सिर्फ उसी से ही चलेगा। बाकी किसी भी तरीके का, यानी कि फ्रेंड भेज दिया, ये कोई रिलेटिव भेज दिया, मम्मी भेज दिया, ऐसा टाइप का कोई भी SMS नहीं चलेगा। व्हाट्सएप मैसेज में सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। QR कोड जो है वो आपका एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल में भी अगर आप दिखा रहे हैं तो QR कोड वो लोग स्कैन कर सके, ये चीज़ आपको देख के ही आना है। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं भूलना है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए जब आप लैंड करते हैं तब भी, और जहां से भी आप बोर्डिंग कर रहे हैं वहां पे भी कंपलसरी है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट है। तभी आपके पास RT-PCR अगर नहीं है तो फिर आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो हाल ही में ये चीज़ हुआ है दुबई एयरपोर्ट में, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। और भी कोई क्वेश्चन है ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे, और रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेजॉरिटी जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये जो है वो आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या कैरी करना है, तो जी हाँ, कैरी करना है, क्योंकि इसके बिना आप जो RT-PCR नहीं करा रहे हैं ये इसी के बलबूते पे हो रहा है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है। फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है दो डोजेज आपने लिए हैं, UAE अप्रूव्ड या WHO अप्रूव्ड, तभी आप इससे RT-PCR टेस्ट नहीं करा के भी ट्रैवल कर सकते। तो गाइज, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।